तो ये आज का जो टॉपिक है, ये रीप्रोग्राम योर माइंड, आपके अंतर्मन को, सबकॉन्शियस माइंड को सम्मोहन द्वारा रीप्रोग्रामिंग करें। सम्मोहन द्वारा आपने रीप्रोग्रामिंग करना है, उसके बारे में है। क्या हम अपने आप को बदल सकते हैं? क्या हम हमारा स्वभाव बदल सकते हैं? बिल्कुल यस। क्या हम टेंशन, डर, गुस्से से छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल यस, कर सकते हैं। स्व सम्मोहन सीखते हैं तो क्या हमें पढ़ाई परीक्षा में फ़ायदा हो सकता है? ऐसे काफ़ी सारे सवाल लोग पूछते रहते हैं। क्षमता बढ़ाना, कौशल्य सीखना, क्या यह संभव है? बिल्कुल यस है। सम्मोहन से पूर्व जन्म में जा सकते हैं? नहीं, पूर्व जन्म में नहीं जा सकते, पर बैक हिस्ट्री में जा सकते हैं, अतीत में जा सकते हैं, इतना पक्का है। तो काफ़ी बार ऐसा आपको लगता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरा ईगो ऐसा कैसा बन गया है। कुछ लोग बहुत ही ईगोइस्टिक रहते हैं, बहुत कड़क स्वभाव के रहते हैं। लोग बोलते हैं क्या हम हमारे भूतकाल को, अतीत को भूल सकते हैं क्या? हम भूल नहीं पाते, मन में बहुत बैठा हुआ है। या सम्मोहन द्वारा हम कॉन्शियस को भूल सकते हैं क्या हमारे? या सम्मोहन अवस्था में से समाधि अवस्था में जा सकते हैं क्या? फिर मास हिप्नोटिज्म कर सकते हैं क्या? गुस्से पर काबू करना, आत्मविश्वास, सफलता, ये पा सकते हैं क्या? मन की शांति, खुशी, ये सब कुछ संभव है यदि आप सम्मोहन सीखते हैं तो। क्योंकि हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, मोल्डेबल है, मोल्ड हो सकता है। तो हमको लगता है कि हम जो भी आज कुछ बने हैं वो भूतकाल, अतीत, जो पास्ट है उससे बने हुए हैं। यस ऑफकोर्स कि हम भूतकाल से बने हैं, हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है, हमारी एक हैबिट बन चुकी है, हमारे माइंड को एक हैबिट लग गई है और वो हैबिट सबकॉन्शियस माइंड को लगी है। हमको नॉलेज बहुत है, वो नॉलेज है कॉन्शियस लेवल के ऊपर। कॉन्शियस लेवल को ये मालूम है कॉन्शियस माइंड को कि सिगरेट पीना बुरा है, शराब पीना बुरा है, क्रोध करना अच्छा नहीं है, मालूम है। तो नॉलेज डजंट मेक एनी डिफरेंस, मालूम कॉन्शियस माइंड को है, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं मालूम, वहाँ प्रॉब्लम है। तो सम्मोहन से क्या होता है, सम्मोहन से हम सबकॉन्शियस माइंड को वो प्रोग्रामिंग करते हैं और वहाँ से फिर उसको हमको फायदा दिखता है। तो माइंड का रीवायरिंग करना मतलब सबकॉन्शियस माइंड का रीवायरिंग करना, मतलब पुरानी आदतें साफ करना और नई आदतें डालना, ये संभव है। तो आज हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसा टेंशन है, नकारात्मक विचार कम करना, निराशा से दूर हटना, सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करके पावरफुल बनना, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन से होने वाले फायदे क्या क्या है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको टेंशन है तो एक तो नींद नहीं आती, फ्रेश नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, और फिर ऐसा रहा तो फिर चिड़चिड़ापन, किसको उल्टा पुल्टा बोल देते, फिर रिश्ते खराब हो जाते। ये सब से होता क्या है कि बिजनेस में ख्याल नहीं, जॉब में ख्याल नहीं, फिर प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, फिर गाली खानी पड़ती है बॉस की, या धंधा बैठ जाता है, धंधा बैठ गया तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, चिंताजनक, फिर आत्मविश्वास से किसी से बात नहीं कर सकते, घबराहट, डर, चिंता, दिल में धड़कन आदि से बहुत बेचैनी होना चालू हो जाता है। उसके वजह से ये भी होता है कि आलसीपन आ जाता है, फिर प्रोक्रास्टिनेशन मतलब काम आगे धकेलना, डिसीजन लेना नहीं जल्दी, फिर काम बहुत धीरे धीरे से करना, फिर एक ही काम को बहुत टाइम लगना, फिर लोग बोलते हैं अरे क्या जल्दी जल्दी तो काम नहीं करता है, कितना टाइम लगाता है काम करने के लिए, और फिर उसकी वजह से काम अधूरे हो जाते हैं, फिर और गाली खाओ। अभी क्या होता है कि सब रहा तो फिर कोई शारीरिक प्रॉब्लम और मानसिक प्रॉब्लम होती है। एक होता है कि भाई नफरत करना, गुस्सा, नफरत, अपराध बोध की भावना, गिल्टी फीलिंग, या खुन्नस बैठती है कि ठीक है मैं इसका बदला लूँगा। फिर उससे क्या होता है, उससे एसिडिटी, पेट फूलना, पेट खराब होना, उल्टी होना, ऐसे पेट विकार होते हैं, या फिर कुछ नहीं होता, फिर बदन में दर्द, सिर दर्द आदि समस्या पैदा होती है। फिर ऐसा भी हो जाता है कि फियर ऑफ फेलियर उससे आता है। अब इससे सब क्या होता है, डर, कोई भी काम नया चालू नहीं करते हैं, और काम की चालू नहीं करते, डर लगता है कि फेल हो जाएंगे, फिर नया काम शुरू ना करना, नया प्रोजेक्ट नहीं लेना, या काम अधूरा छोड़ देना, फेल हो जाएंगे, डर से लोग अटेम्प्ट भी नहीं करते है ना कि फेल होंगे, मतलब शुरुआत भी नहीं करते। अब शुरुआत भी नहीं किया तो डेफिनेटली फेल हो गए, शुरुआत नहीं करते हैं तो। अभी सब कुछ है, कुछ लोगों को सब कुछ है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है, बच्चे, बेटे, बेटियां, बहू, दोस्त, तभी भी मन को शांति, सुख, समाधान नहीं, ऐसा लगता है मज़ा नहीं आ रहा। इसके वजह से फिर क्या होता है, ये लक्षण जो है, देखो ये जो मैंने 12 पॉइंट लिखे हैं, इसमें से मेजॉरिटी लोगों को ये 12 में से कुछ ना कुछ होगा। चिंता, घबराहट, बेचैनी, निराशा, नींद आना, फोबिया,
नकारात्मक विचार, ज़्यादा सोचना, जल्दी गुस्सा करना, डर लगना, रोना आना, चिड़चिड़ापन, ये सब हो जाता है। फिर लगता है यार मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे यश क्यों नहीं मिलता है, मेरा लक खराब है, फिर ऐसा लोग बोलना चालू कर देते हैं। और फिर अकेला रहना, काम ना करना, किसी से ना मिलना, दोस्तों से मिलजुल कर बात नहीं करना या उनके साथ में नहीं रहना, फिर लोग मेरे पास में आते हैं, हमारा बेटा है ना अकेला अकेला रहता है, बाहर ही निकलता नहीं, किसे मिलता भी नहीं, डर लगता है, अकेले सफ़र करने में डर लगता है, लोगों को जा ही सकते नहीं बाहर गाँव, फिर बार बार बिजनेस बंद करना चालू करना, अलग अलग बिजनेस पकड़ना, जॉब अलग अलग पकड़ते जाना, अपने पार्टनर से ना पटना, फिर ये हो गया तो शराब सिगरेट तंबाकू पीने की लत, और किसी से पटता नहीं। फिर क्या होता है, कुछ लोगों को बार 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 विचार आना, इतने विचार आते OCD, बार 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 हाथ धोना, इतना कि हाथ सफ़ेद हो जाते, पूरे सफ़ेद। फिर कुछ लोगों को इतना पैनिक अटैक आता है कि वो बाहर नहीं जाते, ऐसा लगता है कि मर जाऊंगा, बाहर ही आएंगे नहीं। अभी ये सब प्रॉब्लम है सबकॉन्शियस माइंड का, और उसका हम यदि रीप्रोग्रामिंग करते हैं, पहले का मिटा देते हैं और पहले का मिटा के नया उसमें डालते हैं, तो नई ज़िंदगी मिलेगी। नया देखो ना, आप जब बच्चे थे 2 साल के 3 साल के तो कैसे मस्त थे, उस समय इसमें के कोई भी प्रॉब्लम नहीं थे, मतलब आपका प्रोग्रामिंग हुआ और प्रोग्रामिंग होते होते सब ये प्रॉब्लम आते गए, प्रोग्रामिंग हुआ और गलत प्रोग्रामिंग हुआ। अभी हमको वो प्रोग्रामिंग मिटा के रीप्रोग्रामिंग करना है, रीवायरिंग करना है। तो इसके लिए सेल्फ हिप्नोसिस है, अंतर्मन का रीप्रोग्रामिंग करने के लिए सेल्फ हिप्नोसिस। ये सेल्फ हिप्नोसिस, ये हिप्नोटिज्म है, इसको हिप्नोटिज्म भी बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, हिप्नोसिस बोलते हैं, कोई त्राटक विद्या बोलता है, कोई मेस्मेरिज्म बोलते हैं, कोई मोहिनी विद्या, एनिमल मैग्नेटिज्म, सम्मोहन विद्या, वशीकरण विद्या, कुछ अलग अलग नाम है। ये सब लोगों ने बदनाम करने के लिए ऐसे नाम दिए हुए। इसको एक्चुअली साइंटिफिक नाम जो है वो है सेल्फ हिप्नोसिस या हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी। दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए स्वयं सम्मोहन काम में आता है, और दिमाग की शक्ति आप बढ़ाते तो ये इसमें के कोई भी प्रॉब्लम आपको रहेंगे नहीं। जिनको जिनको नींद नहीं आती, आप स्वसम्मोहन कर दे तो गहरी नींद में आप जा सकते हैं, और इसमें आपको स्वसम्मोहन सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ना स्वसम्मोहन। हम स्वसम्मोहन से क्या क्या कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, उत्पादन क्षमता, आपका यदि संघर्ष हो रहा है पति पत्नी का या किसी के साथ में संघर्ष हो रहा है या डिवोर्स हो रहा है तो वो बच सकता है, आपका बंद बिजनेस चालू हो सकता है, आपको यदि नौकरी छोड़ देना होगा तो वो नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप पटा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, आपका आर्थिक नुकसान बच जाएगा, आपको BP जैसी शारीरिक बीमारी होंगी नहीं। और एक बीमारी हम सबको है, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इतना बैठा हुआ है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे उनको सोचने दो, वो आप क्यों सोच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे ये भी आप सोच रहे, और आप सोच रहे वो तो सोच ही रहे, आप डबल काम कर रहे, वो क्यों करते हो आप, लोग क्या सोचेंगे। आत्मविश्वास की कमी, स्टेज पर बात नहीं कर सकते, लोगों से पैसे मांग नहीं सकते, इतना डेरिंग ही नहीं है, जिनको पैसे दिए वापस नहीं कर सकते, इसके लिए सबके लिए अपना सबकॉन्शियस स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो जो आदमी बैठा हुआ है देखो आप, वो है कॉन्शियस माइंड 10%, और नीचे का पूरा जो ब्रेन है आप समझ के चलो वो है सबकॉन्शियस माइंड 90%। तो हमको 90% को बदलने का है। जैसा एक आदमी बर्फ की चट्टान है समुंदर में, पानी के ऊपर जितना भाग है वो है 10%, पानी के नीचे है वो है 90%, पानी के नीचे जो है बहुत है 90%, वो है एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड, और पानी के ऊपर जो है वो कॉन्शियस माइंड, ऐसा समझ के चलो, एक समझने की बात है। तो ऐसा लेट के हम हिप्नोटाइज करते, बार 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 सजेशन देते, बार 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 सूचना देते हैं, और सूचना देते 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 वो सम्मोहित हो जाता है। फिर कुछ लोगों को ऐसे पेंडुलम बता के हम सम्मोहित करते हैं, ये पद्धति अलग 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 मेथड से, कुछ लोगों को आंखें ऊपर करके सम्मोहन करते हैं, आंखें ऊपर करके, कुछ लोगों को ऐसा बैठ के कुर्सी पे बैठ के उनको सूचना देते हैं और सम्मोहन करते हैं, कुछ लोगों को हाथ ऊपर करो हाथ नीचे करो बैठो और फिर सूचना देते और सम्मोहन करते, बैठे बैठे लोग सो जाते, एक्चुअली सोते नहीं, वो सम्मोहन की नींद की अवस्था है। तो एक कॉन्शियस माइंड जो है वो 10% है और सबकॉन्शियस माइंड 90% है, और हमको ये सब 90% सबकॉन्शियस माइंड से करवाने का है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड को आप पावरफुल बनाते हैं तो आपको बहुत सारा संभव है। नींद पूरी नहीं होना, सर दर्द करना, धड़कन बढ़ना, पसीना आना, सब जो प्रॉब्लम हमने पहले चर्चा की है, ये सब प्रॉब्लम आपके अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हेडमास्टर तो सबकॉन्शियस माइंड है ना अपने बॉडी का। क्यों सबकॉन्शियस माइंड का सबकॉन्शियस माइंड हेडमास्टर क्यों है, क्योंकि वो कंट्रोल करता है। एंगर, गुस्सा, लोग बोलते हैं यार गुस्सा आता है क्या करूँ, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। तो देखिए कि गुस्से को कंट्रोल आप करते हैं, गुस्से को,
तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सबसे पटेंगे आप, आपकी वो सबकॉन्शियस माइंड में आप डालते कि मुझे शांत करना है, शांत करना है, शांत करना है, तो वो हो सकता है।